नमस्कार सभी को। और आज मैं बात करूंगा फुटसल के बारे में कि फुटसल कितना इम्पॉर्टेंट है किसी भी देश के फुटबॉल को बढ़ाने के लिए। और मैं आज बात करूंगा कि फुटसल इंडिविजुअली प्लेयर के लिए कितना बेनिफिशियल है, पर किसी देश की फुटबॉल को कैसे इम्प्रूव कर सकता है, वहाँ की ऑडियंस को कैसे अट्रैक्ट कर सकता है, जो कि मैं आपको कुछ देशों के एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको मैं बताऊंगा। और तीसरी बात मैं ये बताऊंगा कि इंडियन फुटबॉल को इससे कितना बेनिफिट मिलेगा और हम अभी उस पर किस तरह से काम कर रहे हैं, तो इस बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरी देखिएगा अगर आपको हर बात जानना हो फुटसल से रिलेटेड। तो जब फुटसल का नाम आपके दिमाग में आता है तो आपको एक कमरा नज़र आने लग जाता है और वहाँ पर एक स्किलफुल गेम नज़र आने लग जाता है और क्या स्किल्स वहाँ पर करते हैं प्लेयर्स। तो हम जानते हैं कि इससे इंडिविजुअल प्लेयर्स को किस तरह के बेनिफिट्स होते हैं। तो एज अ प्लेयर आपको सबसे पहले ये पता चलता है कि एक टाइट सिचुएशन में कैसे खेला जाता है, क्विक डिसीजन मेकिंग क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा गेम है, आपके ऊपर एकदम तुरंत जो डिफेंडर्स होते हैं तुरंत चढ़ते हैं, तो आपको क्विक डिसीजन लेना होता है, पासिंग बहुत एक्यूरेट करना होता है, ठीक है, क्रिएटिविटी आपको दिखाना पड़ता है क्योंकि वन ऑन वन सिचुएशन बहुत होती है, तो क्रिएटिविटी आपको दिखाना पड़ता है, अवेयरनेस बहुत आती है ना, और आपको अंडर प्रेशर कैसे खेला जाता है इस चीज़ की समझ बढ़ती है, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है और आप नई नई स्किल्स ट्राई करते हो तो वो सीखते हो आप। और इसमें है ना आपका जो बॉडी कॉन्टेक्ट है, ये मेन फुटबॉल जो है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपको शील्डिंग और बॉल प्रोटेक्शन ज़्यादा बेटर तरीके से इसमें आप सीखते हैं। और इसमें सबसे मेन बात क्या है कि इसमें हर प्लेयर को चांस मिलता है, क्योंकि इसमें क्या है कि सब्स्टिट्यूशन जो होता है रोलिंग सब्स्टिट्यूशन होता है, तो कोई ऐसा प्लेयर जो डाउन परफॉर्म कर रहा है तो उसको बाहर कर लो, फिर थोड़ी देर बाद फिर डाल दो, किसी तीसरे को डाल दो, चौथे को डाल दो, तो ऐसे क्या है हर प्लेयर को चांस मिल रहा है। तो कोई अगर प्लेयर गलती कर रहा है तो थोड़ी देर बाद अपनी गलती सुधार सकता है, उसके पास मौका है। और उसके बाद मेन क्या है कि सब प्लेयर को चांस मिलता है, तो एक होता है ना अंदर से कि यार मेरे को आज मैच में चांस नहीं मिला, या गेम्स में होता है ये बड़े गेम में, तो इसमें क्या है कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हर प्लेयर को चांस मिल सकता है। तो एज अ प्लेयर क्या है कि आपका एक प्रॉपर डेवलपमेंट जो होना चाहिए ना, कि आपको गेम टाइम और आपको एकदम टाइट सिचुएशन में खेलना, ये सब चीजें इसमें आपको सीखने को मिलती है। तो एज अ प्लेयर आप समझ गए कि इसमें किस तरह के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, तो आप इससे समझ सकते कि आपको फुटसल को ज्यादा ऐसा हल्के में नहीं लेना रे बाबा, क्या आपको फुटसल को एकदम सीरियसली लेना है कि भाई फुटसल से भी मैं गेम अपना डेवलप कर सकता हूँ। फिर अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई फुटसल से कौन बड़ा महान बन चुका है जो हम फुटसल पे इतना सीरियसली ध्यान दें, तो भाई फुटसल से जो लोग निकले हैं ना वो आज पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं फुटबॉल में, ठीक है, तो ये बहुत ही कोई असाधारण खेल नहीं है फुटसल, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि कोई फुटसल से निकल के फुटबॉल की दुनिया में कौन बड़ा दिग्गज बना है, तो आप सुनिए फिर नाम, तो सबसे पहले मैं नाम लूंगा फुटबॉल के परम पिता पेले। तो पेले जो है ये फुटसल से इतने खतरनाक खिलाड़ी बने हुए हैं, ठीक है, और जीको, काका, रोनाल्डिनो, बड़े भैया मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो चाचा, इनिएस्ता, जावी और नेमार भैया, ये सब लोग भैया फुटसल के प्रोडक्ट है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो फुटसल है वो एक ऐसी खदान है कि जहाँ से एकदम निकलते हीरे, तो आप समझ गए होंगे कि फुटसल कैसे प्लेयर को डेवलप करता है। तो आप समझ गए ना कि उनका गेम आपने देखा ही है, तो इतना स्किलफुल क्यों है वो, इतना खतरनाक कंट्रोल। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो दिग्गज प्लेयर्स हैं ये फुटसल के लिए इन्होंने क्या कहा है। तो जो रोनाल्डिनो चाचा है कहते हैं, मेरे जो टच इतने अच्छे हैं और ड्रिबलिंग मेरी इतनी शानदार है वो सिर्फ फुटसल की वजह से इतनी अच्छी हुई है, ठीक है। फिर बड़े भैया मेसी कहते हैं, मैं जब छोटा था तो मेरे क्लब के लिए और स्ट्रीट पे फुटसल खेला करता था, और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो फुटसल की हेल्प की वजह से हूँ, क्योंकि फुटसल में मुझे इम्प्रूव करने में बड़ा हेल्प किया है। फिर अपने रोनाल्डो चाचा कहते हैं कि भाई जब मैं छोटा था तो हम सब जितने भी फ्रेंड्स थे और बाकी सब लोग हम फुटसल खेला करते थे, और अगर फुटसल नहीं होता मेरी ज़िंदगी में तो हो सकता है कि आज मैं इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाता इतने ऊपर के लेवल पे। तो भाई ये जो शब्द है ये है इन दिग्गज महान खिलाड़ियों के, तो आप समझ सकते हैं कि फुटसल ने इनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव किए और ये कहाँ पहुँचे, ठीक है। तो इसलिए फुटसल को हमको ऐसे कोई बच्चों की लीग नहीं समझना है, क्योंकि फुटसल जो बाहर की कंट्रीज़ में तो एकदम ऊपर के लेवल पे चलता है। अब हम ये जानते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ है जो फुटसल से बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है और उन्होंने फुटसल के थ्रू बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकाले हैं। तो सबसे पहले देखो फुटसल जो है बना उरुग्वे में है, ठीक है, उरुग्वे की फुटबॉल भी आप देख सकते हैं क्या शानदार है। और ब्राज़ील, ब्राज़ील तो मतलब एकदम महान काम करता है फुटसल के मामले में, पूरे प्लेयर उनके फुटसल के, जो मेन फुटबॉल टीम में सब बचपन में फुटसल ही खेलते थे। और मैं ये कहूंगा कि जो साउथ अमेरिका है ये तो सब फुटसल ही खेलते हैं, जब छोटे रहते हैं ना ये तो फुटसल ही चलता है इनका, ठीक है। और अर्जेंटीना,
ये सब इनके जितने प्लेयर्स आज खेल रहे हैं टॉप लेवल पे, ये सब बचपन में फुटसल के थ्रू इनका डेवलपमेंट हुआ है। मतलब यहाँ पे प्लेयर्स को क्या है कि फुटसल भी खिलवाया जाता है और बड़ा गेम भी खिलवाया जाता है, तो इक्वली दोनों पे ध्यान दिया जाता है। और फिर यूरोप के बारे में तो आपको क्या ही बताऊं, यूरोप तो आप जानते हैं कि भाई फुटसल उधर बहुत चलता ही है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार आप तो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रियों के नाम ले रहे हो, ये तो वैसे ही डेवलप है। तो भाई अब मैं एशिया में आता हूं। अब एशिया में तो ऐसा कोई बहुत बड़ा 30 मार्का नहीं है ना जिसने 5 वर्ल्ड कप जीते हो, तो अब एशिया की बात करता हूं। तो एशिया में भैया ईरान है किंग ऑफ फुटसल। अब आप बोलेंगे ईरान में फुटसल बहुत पहले आ चुका होगा, तो नहीं, यहाँ पे फुटसल तो पहले आ गया था लेकिन यहाँ पे 2003 में लीग आई थी। तो 2003 के पहले यहाँ पे फुटसल की कोई प्रॉपर प्रोफेशनल लीग नहीं थी, ऐसा फुटसल था वहाँ पे। और यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स है ना, इनका डेवलपमेंट फुटसल से ही होता है, तो आप ये चीज को समझिए कि फुटसल कितना इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखेंगे तो जापान, यहाँ पे फुटसल को बहुत ही प्रोफेशनली माना जाता है। फिर देखिए थाईलैंड। अब आप बोलेंगे थाईलैंड तो कोई बहुत बड़ी कंट्री नहीं है फुटबॉल की, तो भाई आप वहाँ पे जाइए, मैं थाईलैंड गया हुआ हूँ, और वहाँ पे जाइए, वहाँ पे कोई बहुत पॉपुलर गेम नहीं है फुटबॉल, लेकिन वहाँ पे जितने लोग खेलते और जितने फैंस है, उतने छोटे से देश में भी इतने कम फैंस के थ्रू उन्होंने फुटबॉल को बहुत ऊपर लेके आ चुके हैं। वहाँ की फुटबॉल लीग को भी बहुत ज्यादा बेटर माना जाता है, और वहाँ पे फुटसल की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, और हमारे एशिया में भी उनका बड़ा नाम है फुटसल में। फिर आप देखिए उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान क्या डेवलप कर रहा है ना फुटबॉल में, फुटसल भी वहाँ पे बहुत शानदार है, वहाँ पे डेवलपमेंट फुटसल के थ्रू बहुत अच्छा किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया को देखिए, और वियतनाम का तो मैं फिर क्या ही बोलूं, वियतनाम का आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में क्या जगह पे पहुंचे हैं वो लोग। तो वहाँ पे फुटसल फुटबॉल दोनों पे एकदम इक्वली बहुत सही तरीके से डेवलपमेंट ध्यान दिया जा रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें होती है जो डेवलपमेंट में बहुत असर करती है। फिर आप देखेंगे अगर वर्ल्ड लेवल पे और एशिया लेवल पे इसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, तो देखिए भाई फीफा वर्ल्ड कप होता है फुटसल का, ठीक है, यूथ ओलंपिक में फुटसल आ चुका है, एशिया कप होता है फुटसल का, क्लब का भी और कंट्री का भी। और ये कोई ऐसा नहीं कि मेंस के लिए ही है, ये लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। और अगर हम यूथ लेवल पे बात करें तो अंडर 20 तक की भी अभी फुटसल चैंपियनशिप चालू है। तो मेरा ख्याल है आप समझे होंगे कि फुटसल के थ्रू कंट्रीज किस तरह से डेवलप कर रही है। और अगर आप कुछ नहीं तो वियतनाम का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, और अगर आपको वियतनाम का स्ट्रक्चर जानना हो कि कैसे उन्होंने फुटबॉल में इतना डेवलप किया, तो आप कमेंट में आप लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं उसके ऊपर भी आपको बता सकता हूँ कि वियतनाम कैसे इतना बड़ा पावर हाउस बनते जा रहा है फुटबॉल का। अब वैसे इंडिया के बाहर की बात है, मैं इंडिया के बाहर की ज़्यादा बात करता नहीं हूँ, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो मैं बना दूंगा वैसे, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि हमारा जो भारत है ये क्या कर रहा है फुटसल के क्षेत्र में, और डेवलपमेंट कैसे लाएं फुटसल के थ्रू, इसके लिए क्या सोच रहा है। तो भाई देखिए सबसे बेहतरीन बात कि इस साल से हमारे पास एक फुटसल लीग आ चुकी है, तो हमारी फ्यूचर में नेशनल टीम भी बनेगी फुटसल की। अब देखिए इसके लिए हमको एक प्रॉपर पाथवे बनाना है। अभी क्या मेन लीग तो आ गई है, और इस साल तो क्या उद्घाटन हो गया उसका, तो अभी उसका उतना अच्छा स्ट्रक्चर तो नहीं है, बस एक करवा दी लीग 5-6 दिन की है ना। तो अभी क्या हमको इसमें भी डिविजन्स बनाना पड़ेगा, ठीक है, जैसे स्टेट की लीग्स के थ्रू वहाँ पे नेशनल लीग में जाएं, इस तरह से हमको बनाना पड़ेगा। और ये बना रही है AFF, ऐसा नहीं इस पर सोच नहीं रही है, वो ऐसा सोच रही है और करेगी, क्योंकि उनको पता है कि फुटसल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ फुटबॉल। तो प्लेयर के लिए वो इस तरह से सोच रही है, और कोचेस के लिए वो कोच एजुकेशन प्रोग्राम्स ला रही है। जैसे उन्होंने पिछले 2-3 सालों से फुटसल के लाइसेंस प्रोग्राम जो है चालू कर दिए कोचेस के लिए, तो अगर आप में से कोई फुटसल का कोच भी बनना चाहता है तो भाई लाइसेंस हो रहे हैं, आप वो कर सकते हैं। और इसका प्रमोशन कैसे कर रहे हैं, तो भाई जो गोल्डन बेबी लीग्स होती है ना, इसमें फुटसल को बच्चों को सिखाया जाता है, उनको फुटसल से जो है वाकिफ किया जाता है, तो फुटसल का प्रमोशन भी चालू है। ऐसा नहीं कि बस ऐसे हवे में बात चल रही है, फुटसल लीग करा दी भी है एक 5 दिन की, ऐसा नहीं, इसके ऊपर प्रॉपरली थोड़ा सा इसको कवरेज में लाने की कोशिश की जा रही है। तो आप इससे निश्चिंत रहिए कि फुटसल आगे आने वाले वर्षों में आएगा, धीरे धीरे आएगा, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमने अभी नवंबर में लॉन्च किया और दिसंबर में इंडिया टीम बन के हम खेल लेंगे एकदम फुटसल का एशियन कप, थोड़ा वक्त लगेगा। वैसे तो इस चीज को इंडिया ने बहुत पहले लाना था, लेकिन अब देर आया दुरुस्त है, अब करेंगे ना, धीरे धीरे काम करेंगे। और फुटसल में भी क्या अपॉर्चुनिटीज बनेगी अब देखते फ्यूचर में, तो फिर मैं जब वो होगी वैसी चीजें तब मैं उसके ऊपर आपको बताऊंगा कि भाई क्या अपॉर्चुनिटीज आ गई है, इसमें कैसे पैसे आ रहे हैं, क्या भी उस चीज का थोड़ा सा अच्छे से एक रोड मैप तैयार हो जाए, तो फिर हमको बाद में उस चीज की थोड़ी सी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, तो वो चीज मैं आपसे फिर शेयर कर दूंगा। तो फ्यूचर में हमको स्टेट फुटसल लीग और नेशनल लीग थोड़ी और बेहतर तरीके से देखने को मिलेगी। तो आई होप कि आप समझे होंगे कि फुटसल कितना जरूरी है किसी देश की फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए। और देखिए एक तो क्या ये छोटा गेम होता है, कम टाइम लिमिट होती है, तो इसमें क्या पब्लिक अट्रैक्ट होती है, तो इसमें पब्लिक को भी अट्रैक्ट किया जा सकता है देखने के लिए, है ना, क्योंकि छोटा सा गेम है और कम टाइम का है, पब्लिक ऐसा टाइम दे सकती है, हाँ भैया 20-40 मिनट का है, देख लेते हैं हमारा बच्चा खेल रहा है, तो ऐसे पेरेंट्स भी थोड़ा ठीक है। अब 90 मिनट का गेम रहता है तो कई लोग का रहता है, अरे यार 90 मिनट कौन देखेगा। अब वैसे तो अब मैं ऐसा बोलूँ तो क्रिकेट को साला पूरा दिन भर देख लेते हैं, अब वो तो है जिसको प्यार है भाई वो तो पूरा दिन भर भी देख लेगा, जिसको कोई मतलब नहीं है वो 2 मिनट भी नहीं देखेगा। तो बस मैं यही आपको बताना चाहता था कि फुटसल
क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और हमारा भारत इस चीज़ में कैसे काम कर रहा है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, और अगर आप कुछ नहीं समझ पाए होंगे और आपका कुछ जानने की चाह होगी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस चीज़ को आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूंगा। बस फिर क्या, इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए, और क्या रखा है ज़िंदगी में, अब है कि नहीं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।